आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। शिक्षा कर्मी विधिक समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा कर्मी एवं संविदा शिक्षक और गुरुजी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत ग्रेच्युटी अर्थात सेवा उपादान का भुगतान न किया जाकर जीरो भुगतान पर अपने घर भेज दिया गया है, वो सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में ग्रेच्युटी के पात्र हैं। सेवा उपादान अधिनियम 1972 के पालन में शासन अर्थात नियोक्ता को सभी कर्मचारी चाहे वो शासकीय कार्यालय में कार्यरत हो, चाहे वह अर्थ सरकारी कार्यालय में कार्यरत हो, चाहे वह निकाय व उपक्रम में कार्यरत हो या चाहे फैक्ट्री खदान व ऐसे उद्योग व्यवसाय या दुकान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो, सभी ग्रेच्युटी के पात्र है। परंतु इन सभी नियमों के विपरीत जाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग एवं नियुक्ति द्वारा शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक एवं गुरुजनों को जो सेवानिवृत्त हुए हैं को सेवा उपादान से वंचित किया गया। परंतु अब सेवा उपादान प्राप्त करने हेतु समस्त ऐसे कर्मचारी माननीय सक्षम नियंत्रण प्राधिकारी एवं सहायक श्रम अधिकारी अपने अपने जिले के को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु आवेदन संलग्न प्रारूप करने जा रहे हैं। यह आवेदन प्रारूप संलग्न आप सबकी और राजेश मिश्रा द्वारा भेजा जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी निकालकर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अपने सहायक श्रम अधिकारी कार्यालय में इस आवेदन को लगाएं और उसकी पावती अपने पास संधारित कर रखें। आगामी कार्रवाई तदुपरांत राजेश मिश्रा द्वारा आप सबको बताई जाएगी। अब संभवतः ऐसा महसूस होता है कि आप सभी को यथाशीघ्र ग्रेच्युटी मिनिमम 6 लाख रुपए पर से अधिकतम 8 लाख रुपए पर तक प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है।